दोस्तों Realme 5 Pro डिवाइस में जो सॉफ्टवेयर अपडेट आया है उसके बारे में जब मैंने वीडियो बनाया था तो उस पर बहुत सारे कमेंट्स ऐसे आए हैं, उसमें बहुत सारे लोगों को बग्स मिले हैं, बहुत सारे लोगों को समस्याएं उसमें आ रही हैं। क्या क्या समस्याएं उसमें आ रही हैं और उसका सॉल्यूशन क्या हो सकता है वो मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगा। तो अगर आपके पास भी Realme 5 Pro डिवाइस है और अगर आपको भी कोई समस्या आ रही है अपडेट के बाद तो ये वीडियो आपके लिए है। इस वीडियो में हमारे साथ लास्ट तक बने रहिए। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ शशि और आप देख रहे हैं शशि शुक्ला टेक यूट्यूब चैनल। दोस्तों सबसे पहले बात कर लेते हैं प्रॉब्लम्स के बारे में। तो यहाँ पे बहुत सारे दोस्त लोग ऐसे हैं जिन्होंने बताया है कि अपडेट के बाद उनकी बैटरी फास्ट ड्रेन हो रही है, यानी कि बैटरी जल्दी जल्दी डाउन हो रही है। पहले जितनी बैकअप देती थी उतनी बैकअप उनको नहीं मिल रही है। लेकिन अगर मेरे केस में बताऊं तो मेरे फ़ोन की बैटरी जो पहले जैसी चलती थी वैसी ही लगभग अभी भी चल रही है, कोई ज़्यादा उसमें डिफरेंस नहीं है। हाँ, पहले की अपेक्षा मुझे लगता है कि पूरे दिन जब यूज करता था तो पहले मेरी जितनी बैटरी बचती थी उससे 5-7% ज़्यादा ही डाउन हो जा रही है, लेकिन वो कोई मेजर डिफरेंस नहीं है। तो मेरी बैटरी यहाँ तो ठीक ठाक चल रही है, मुझे बाकी कोई समस्या यहाँ पे देखने को नहीं मिली है। इसके अलावा बहुत सारे लोग गेमिंग को लेकर शिकायत कर रहे हैं कि अगर जब हम गेमिंग कर रहे हैं तो वहाँ पर हमको कुछ साउंड का इशू आ रहा है, माइक्रोफोन सही से काम नहीं कर रहा है, माइक्रोफोन की आवाज़ कम हो गई है या स्पीकर की साउंड कम हो गई है, ऐसे ऐसे कमेंट आ रहे हैं नीचे। अलावा कुछ लोग ये बोल रहे हैं कि नॉर्मल जो स्पीकर साउंड होता है वो कम हो गया है। कुछ लोग बोल रहे हैं कि वीडियो में लैग का इशू आ रहा है, तो ये इशू मेरे साथ भी आ रहा है। मैं अपने फ़ोन के फ्रंट कैमरे से जब स्टॉक कैमरे से रिकॉर्ड करता हूं तो वहां पे वीडियो लैग होता है जब वीडियो रिकॉर्डिंग मैं करता हूं, क्योंकि इसके पहले मैंने जो वीडियो बनाया था उसमें भी आप क्लियरली देख पाएंगे अगर आप मेरा पिछला वाला वीडियो देखें जिसमें मैंने अपडेट्स में क्या क्या नए फीचर आए हैं उसके बारे में बताया था। तो आप उसमें देखेंगे कि उसमें एक दो जगह कैमरा लैग किया है, वहाँ पे वीडियो फ्रीज हो जा रहा है और साउंड वैसे ही चलता रहता है। यहाँ पे लैग मुझे भी नोटिस हुआ है कैमरा में, लेकिन मैं अगले अपडेट का वेट कर रहा हूँ कि शायद अगले अपडेट में ये फिक्स हो जाए। तब तक के लिए मैं गूगल कैमरा इंस्टॉल किया हुआ है मैंने अपने फ़ोन में, जी कैम, तो मैंने जी कैम से ही वीडियो रिकॉर्ड करना शुरू कर दिया उसके बाद जब मैंने लैग नोटिस किया था। तो ये बात मैं मानता हूँ कि वीडियो लैग का तो इशू है, बैटरी ड्रेन की प्रॉब्लम मुझे नहीं आ रही है। गेमिंग मैं करता नहीं हूँ तो गेमिंग के बारे में ज़्यादा कुछ मैं बता नहीं सकता कि गेमिंग में क्या क्या प्रॉब्लम्स फेस हो रहे हैं अपडेट के बाद। अब यहाँ पर बात करते हैं सोल्यूशंस की, कि अगर आपको भी ये प्रॉब्लम आते हैं, यानी कि अगर आपकी बैटरी फास्ट ड्रेन हो रही है या अगर आपको कोई दूसरा बग दिख रहा है, तो इसके लिए क्या किया जा सकता है। बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि अगर डाउनग्रेड का कोई लिंक अवेलेबल हो तो बताओ, हम इसको ColorOS 6 पे वापस जाना चाहते हैं, डाउनग्रेड करना चाहते हैं। लेकिन जहां तक मुझे लगता है कि अगर आप अपने सिस्टम को डाउनग्रेड भी करोगे तो आपका डाटा तो लॉस होना ही है, यानी कि आपके फ़ोन में जो भी एप्लीकेशंस जितने भी डाटा रहेंगे वो जैसे आप फैक्ट्री रीसेट पे डिलीट हो जाते हैं, वैसे आप अगर डाउनग्रेड भी करोगे अगर स्टॉक रोम को फ्लैश करके तो आप वापस से अपने सारे डाटा को लॉस कर दोगे। तो जब डाउनग्रेड करना ही है तो उससे पहले मेरी एक बात मानो कि आप अपने फ़ोन को फैक्ट्री रीसेट करके देखो, हार्ड रीसेट करके देखो अपने फ़ोन को। उसके पहले आपको अपना जीमेल अकाउंट याद रखना है, नहीं तो अगर आप हार्ड रीसेट अपने फ़ोन को कर दोगे फिर वो FRP लॉग पे आके फंस जाएगा। वो फ़ोन जब ऑन होगा तो आपका गूगल अकाउंट याद होना चाहिए, तो आप पहले गूगल अकाउंट पासवर्ड श्योर हो लो कि आपका क्या है, उसके बाद ही आप फैक्ट्री रीसेट करना और अपने डाटा का बैकअप ज़रूर ले लो। यानी कि आपके फ़ोन में जो भी डाटा है, फ़ोटोज़ हैं, कॉन्टैक्ट्स हैं, उनको कहीं मेमोरी में सेव कर लो, या अगर आपके पास PC है तो PC पे सेव कर लो और उसके बाद आप अपने फ़ोन को फैक्ट्री रीसेट कर दो। आपका टोटल डाटा इरेज हो जाएगा और फ़ोन को शुरू से सेटअप करके यूज करना शुरू करो। वीडियो लैग का तो मैं नहीं कह सकता कि ये इशू जाएगा कि नहीं, लेकिन बाकी सारे जो प्रॉब्लम्स हैं, यानी कि जो जिसका बैटरी फास्ट ड्रेन हो रहा है या किसी कोई और तरह का प्रॉब्लम अगर नोटिस कर रहा है कोई बंदा, तो वो अपने फ़ोन को फैक्ट्री रीसेट करके एक बार देखे। मुझे उम्मीद है कि 99% उसका प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। उसके बाद भी अगर प्रॉब्लम नहीं सॉल्व होता है तो मैं रिकमेंड करूँगा कि आप अगले अपडेट का वेट कर लो, हो सकता है कि अगले अपडेट में आपका ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए। क्योंकि जब भी कोई नया UI लॉन्च होता है या कोई नया सॉफ्टवेयर आता है तो उसमें कुछ बग होते ही हैं जिसको छोटे छोटे अपडेट के माध्यम से सुधारा जाता है बाद में। तो यहाँ पे इतनी ज़्यादा नर्वस होने वाली बात नहीं है, यहाँ पे थोड़ा सा वेट कर लो, उम्मीद है कि नेक्स्ट अपडेट में Realme ये बग फिक्स कर देगा। इसके बाद भी अगर आपका कोई सवाल या सुझाव हो तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हो, यहाँ पे मेरी इंस्टाग्राम की ID आ रही होगी सामने, Instagram ID @
शशि शुक्ला टेक है, वहाँ पे जाके आप मुझे फॉलो करके और डायरेक्ट मैसेज भी आप कर सकते हो, वहाँ से आप मेरे से चैटिंग कर सकते हो, कोई भी क्वेश्चन हो तो वहाँ पे पूछ सकते हो। क्योंकि कमेंट में तो आप कमेंट करो ठीक है, लेकिन एक से ज़्यादा कमेंट जब आने लगते हैं बार बार, फिर एक क्वेश्चन आता है मैं उसका रिप्लाई देता हूँ, फिर दूसरा क्वेश्चन आता है, फिर तीसरा आता है, तो ऐसे में थोड़ा सा दिक्कत होता है। यूट्यूब पे नोटिफिकेशन भी उतनी जल्दी नहीं मिलता, आप कोई मैसेज करोगे तो कुछ देर बाद नोटिफिकेशन मिलता है, हो सकता है उस टाइम मैं ऑनलाइन नहीं रहूँ। लेकिन इंस्टाग्राम पे हम लोग चैटिंग कर सकते हैं, तो वहाँ पे आप मुझे फॉलो करके अपना जो भी डाउट हो, जो भी क्वेश्चन हो, वो ईजिली आप पूछ सकते हो। वीडियो अगर पसंद है तो वीडियो को लाइक करना, अपने दोस्तों को भी शेयर करो, और अगर आप इस चैनल को पहली बार देख रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि हम आपके लिए ऐसे ही टेक्नोलॉजी वाले और हेल्पफुल वीडियो लेके आते रहते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।